नमस्कार, आज है 17 अगस्त। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सपा के बाद अब नीतीश कैबिनेट में विभागों का हुआ बंटवारा। नई सरकार में कैबिनेट की बैठक पर लगी इस एजेंडे पर मुहर। फिर महंगे हुए अमूल और मदर डेयरी दूध। शपथ ग्रहण के साथ ही एक्शन में दिखे तेज तेजस्वी, बुलाई अपने अपने विभागों की बैठक। हार्दिक इस हेयर स्टाइल में दिखे बेहद कूल। अब आइए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 खबरों की ओर विस्तार से। शपथ के बाद अब नीतीश कैबिनेट में विभागों का हुआ बंटवारा। बीते दिन 31 मंत्रियों की शपथ के बाद नीतीश कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हुआ है। नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन, गृह मंत्री मंडल सचिव, निगरानी जैसे अहम विभाग अपने पास रखे हैं, तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास तथा ग्रामीण कार्य विभाग जैसे अहम विभागों का जिम्मा रहेगा। विजय कुमार चौधरी के पास वित्त विभाग, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग और विजेंद्र प्रसाद यादव के पास ऊर्जा एवं योजना एवं विकास विभाग रहेगा। तेज प्रताप यादव को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अनामिका की। 17 अगस्त 1961 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मी अनामिका एक समकालीन भारतीय कवित्री, सामाजिक कार्यकर्ता एवं हिंदी उपन्यासकार है। उनका माई टाइपराइटर इज माई पियानो अंग्रेजी में अनुवादित कविताओं का संग्रह है। अनामिका अपनी नारीवादी कविताओं के लिए जानी जाती है। अनामिका ने अपनी शिक्षा अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में एमए और फिर पीएचडी किया। इसके बाद उन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की। अनामिका अभी तक राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान, दिविज देव सम्मान और केदार सम्मान जैसे पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी है। नई सरकार की कैबिनेट बैठक में लगी इस एजेंडे पर मुहर। बीते दिन महागठबंधन की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नई कैबिनेट की ये पहली बैठक रही। इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के इस एजेंडे पर मुहर लगाया गया। ये एजेंडा जल जीवन हरियाली को लेकर था। आपको बताते चले कि जल जीवन हरियाली को लेकर के 2022-23 और 2024-25 के लिए होने वाले अनुमानित खर्च के लिए 12,568 करोड़ रुपए 97 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। डीआरडीओ हैदराबाद ने कुल इतने पदों पर निकाली भर्तियां। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने हैदराबाद में विभिन्न डिसिप्लिन के ट्रेड में ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्निकल अप्रेंटिस और ट्रेड अप्रेंटिस में कुल मिलाकर 53 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित डिसिप्लिन में ITI, डिप्लोमा, डिग्री पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी समस्त जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.drdo.gov.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। फिर महंगे हुए अमूल और मदर डेयरी दूध। आम जनता को महंगाई का एक और झटका लगा है। अमूल ने दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। बढ़ती कीमत आज यानी बुधवार से लागू कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक अमूल ने गुजरात, दिल्ली, बंगाल, मुंबई के साथ साथ अन्य सभी बाजारों में 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की है। वहीं बता दें कि मदर डेयरी ने भी 2 रुपए प्रति लीटर दूध महंगा किया है। अधिकारी के अनुसार किसानों से खरीद की लागत में हुई वृद्धि का आंशिक बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जा रहा है। बता दें कि कंपनी बिक्री से होने वाली कमाई का लगभग 75-80% किसानों से दूध खरीदने पर करती है। कद्दावर नेता ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने पर कही बड़ी बात। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरो महतो ने बिहारी न्यूज से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार कैबिनेट में हुए विस्तार के बारे में बोला।
कहा कि बिहार सरकार बेहतर काम करेगी, ये सरकार 2024 क्या 2025 तक बेहतर तरीके से काम करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी 2024 में मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी और एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आएगी। उन्होंने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने पर कहा कि चुनाव के बाद ये तय होगा। इस दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि किन किन नेताओं का फोन आया, तो उन्होंने कहा कि कई नेताओं का फोन आया है लेकिन हम यहाँ नहीं बता सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 2024 में एक बार फिर मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। नालंदा पुरातत्वी संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। बौद्धिक धर्म ने इस शिक्षा केंद्र में बुद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों के तथा विदेशों के छात्र पढ़ने आते थे। वर्तमान में राजधानी पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर किंगहम द्वारा खोजे गए इस महान बुद्ध विश्वविद्यालय परिसर में विपरीत दिशा में एक छोटा सा पुरातत्वी संग्रहालय बना हुआ है। इस संग्रहालय में खुदाई के प्राप्त अवशेषों को रखा गया है। यहाँ आपको भगवान बुद्ध की मूर्तियों का अच्छा संग्रह मिल जाएगा। इसके अलावा तांबे के प्लेट, पत्थर पर खुदा अभिषेक, सिक्के, बर्तन, 12वीं सदी के चावल से जले हुए दाने अभी भी रखे हुए देखे जा सकते हैं। शपथ ग्रहण के साथ ही एक्शन में दिखे तेज तेजस्वी, बुलाई अपने अपने विभागों की बैठक। बीते दिन नीतीश सरकार की कैबिनेट का विस्तार हुआ, जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य विभाग समेत 4 विभागों की जिम्मेदारी मिली। वहीं तेज प्रताप यादव को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद ये दोनों भाई कल काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए। अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद कुछ ही देर के बाद इन दोनों ने अपनी अपनी विभागों की बैठक बुलाई, जहां तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक बुलाई तो वहीं तेज प्रताप यादव ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की बैठक की। इन जिलों में हल्की बारिश सहित वज्रपात का पूर्वानुमान। बिहार में मॉनसून ने इस बार लोगों को खूब परेशान किया। बिहार में कम बारिश की वजह से किसानों की धान की फसल बर्बाद हो रही है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ने से बिहार के लोग अच्छी बारिश के लिए तरस रहे हैं। हालांकि इस दौरान बिहार में हल्की फुल्की बारिश होती रही। वहीं कई बार मौसम विज्ञान के द्वारा जारी पूर्वानुमान भी गलत साबित हुए। वहीं पिछले एक हफ्ते से हवाओं में आर्द्रता अधिक देखी जा रही है। इस बीच आज मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार की राजधानी पटना सहित नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, नवादा, बक्सर, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, औरंगाबाद एवं अरवल जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। बिहार के गुरमीत चौधरी फिर बनेंगे पिता। टीवी जगत की जानी मानी जोड़ी गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी इसी साल अप्रैल में माता पिता बने थे। देबिना ने एक बेटी को जन्म दिया था। अब इस पावर कपल ने 4 महीने बाद अपने फैंस को दोबारा खुशखबरी दी है। देबिना दूसरी बार प्रेग्नेंट है। इस बात की जानकारी खुद देबिना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। फोटो में देबिना ने फैमिली फोटो शेयर की, जिसमें ये जाहिर हो रहा है कि वो जल्द ही दूसरी बार माँ बनने जा रही है। बताते चले कि गुरमीत और देबिना की शादी 2011 में हुई थी। गुरमीत मूल रूप से बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं। प्रथम चयन सूची में 30% नामांकन पूरा। इंटर नामांकन के लिए पहली सूची में अभी तक मात्र 30% ही नामांकन पूरा हुआ है। वहीं कॉलेज में 50-60% तक नामांकन पूरा कर लिया गया। बता दें कि प्रथम चयन में सूची के तहत नामांकन 18 अगस्त तक किया जाएगा। स्कूलों की माने तो प्रथम चयन सूची में जारी होने के बाद स्कूल काफी दिनों तक बंद रहा। स्कूलों में छुट्टियां रही जिससे नामांकन पूरा नहीं हो पाया। स्कूलों के द्वारा 16 अगस्त से नामांकन में तेजी लाई गई है। वहीं कॉलेज में ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया होने से 60% तक इंटर नामांकन हो चुका है। वहीं बोर्ड की माने तो प्रथम सूची में जिन छात्रों के नाम सामने आए हैं उन्हें 18 अगस्त तक नामांकन लेना अनिवार्य है।
शिवानंद तिवारी ने कहा, पिछले विधानसभा चुनाव में जो वादा किया वो पूरा करेंगे। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने बीते दिन अपने अपने पद का कार्यभार संभाला, जहां तेजस्वी यादव ने कुल 4 स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास और आवास विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, तो वहीं तेज प्रताप यादव को वन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस बीच राजद नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश तेजस्वी सरकार से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है, पिछले विधानसभा चुनाव में हमने जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार ही नहीं पूरे देश को इस सरकार से उम्मीद है। दिल्ली के लिए रवाना हुई बिहार की कराटे टीम। 17 से 19 अगस्त तक नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले AIKF प्रेसिडेंशियल नेशनल कराटे कप के लिए बिहार के 10 चयनित खिलाड़ी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ये खिलाड़ी AIKF प्रेसिडेंशियल नेशनल कराटे कप में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बताते चले कि बिहार कराटे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भोला थापा के नेतृत्व में बिहार के ये 10 चयनित खिलाड़ी दिल्ली पहुंचे हैं। कराटे टीम में शामिल खिलाड़ियों में अंशु अंबिका, राणा आकाश, अनिकेत राज, श्रेयांश भारती, सूरज कुमार शर्मा, सिद्धांत कुमार, दिवेश कुमार, शिवा कुमार और विशाल शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा ने नए मंत्रियों को दिया गुरु मंत्र। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। मंत्रियों के शपथ लेने के बाद जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सभी नए मंत्रियों को बधाई के साथ साथ गुरु मंत्र दिया है। ट्वीट करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि बिहार सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सभी माननीयों को हार्दिक बधाई। कामना है कि सरकार में शामिल सभी मंत्री बेहतर काम करेंगे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी ताकत देंगे, साथ ही बिहार में पूर्ण अमन चैन को बनाए रखते हुए विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। ख्याल रहे कि सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों की नजर हमारे ऊपर है। नीतीश कैबिनेट में मिथिला के 11 मंत्री बनाए गए। नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां एक भी मंत्री नहीं बनाए गए। गया, समस्तीपुर और मधुबनी में सबसे अधिक मंत्री बनाए गए हैं। वहीं सुपौल, नालंदा, शेखपुरा, पूर्णिया, बांका, गोपालगंज, अररिया, मधेपुरा, जमुई, सारण, मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण में एक एक मंत्री बनाए गए हैं। वहीं बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज आदि जिलों में महागठबंधन की सरकार में कोई भी मंत्री पद में शामिल नहीं हो पाया। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगी रिपोर्ट। बिहार में मानसिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है, साथ ही राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवा में क्या कमी है इस पर भी ब्यौरा देने को कहा गया। इसमें सुधारने के उपाय पर सुझाव भी देने को कहा गया है। आरसीपी सिंह पर बोली बीजेपी, जल्द आएंगे साथ। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवा रंग में रंगे हुए नजर आए। इसके बाद से ही आरसीपी सिंह का बीजेपी में जाने की चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि जदयू से इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को आरसीपी सिंह नालंदा पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान आरसीपी ने भगवा धारण किया हुआ था। वहीं स्वागत के बाद ये संकेत दिए जा रहे हैं कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जहां आरसीपी सिंह जिंदाबाद के खूब नारे भी लगाए गए। बता दें कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि आरसीपी सिंह जदयू में होने के बाद भी बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। कैबिनेट विस्तार के बाद तेजस्वी ने कही बड़ी बात। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 31 सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों को बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आज बिहार सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई। आशा और विश्वास है कि आप सभी मंत्रीगण आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्ण निष्ठा, कर्मठता, ईमानदारी, पारदर्शिता और आपसी समन्वय के साथ बिहार के विकास में योगदान देंगे। मंत्री बनने वाले में राजद के 16, जदयू के 11, कांग्रेस के 2 सदस्य शामिल हैं। इन सभी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है।
गिरिराज सिंह मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ परिवारवाद दायर। मुजफ्फरपुर में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट में परिवारवाद दायर किया गया है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ परिवारवाद दायर किया गया है। मामला है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के, जिसके बाद तेजस्वी यादव फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव के खिलाफ परिवारवाद दायर किया गया है। इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई की तारीख भी तय की गई है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि श्रीमान जी इतना बेशर्म मत बनिए, एक फुट लंबी चोटी रखने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, क्योंकि आप रखते हैं। 3 महीने में प्रदूषण मुक्त होगी फल्गु। गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर से सटे फल्गु नदी के प्रदूषित होने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। मामले पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ को मंगलवार को जानकारी दी गई कि बुडको ने वाटर ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए चुनी हुई कंपनी से अग्रीमेंट 11 अगस्त 2022 को हो चुकी है। कोर्ट को बताया गया कि अग्रीमेंट में ये तय हुआ है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम 3 महीने में पूरा हो जाएगा। इस पर कोर्ट ने निर्माण कंपनी से संबंधित हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 24 अगस्त 2022 को होनी है। कैबिनेट विस्तार पर बोले सुशील मोदी, जाति समीकरण पर साधा निशाना। बिहार कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि 13 मंत्री MY समीकरण से बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को भी अपमानित किया गया। मिथिला ब्राह्मण में एक भी मंत्री नहीं बनाए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बड़े ही चालाकी से दोनों विभागों को खुद अपने पास रख लिया और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 5 मंत्रालय का झुंझुना पकड़ा दिया। फिर बोले मांझी, एक अन्य मार्ग पर शरण लेते थे अपराधी। मंगलवार को हुए बिहार में कैबिनेट के विस्तार के बाद जीतन राम मांझी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार बदलने की जरूरत थी और ठीक वैसा ही हुआ। नीतीश और तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और अपराध पर भी लगाम लगेगा। उन्होंने कहा कि एक अन्य मार्ग सहित जहां कहीं भी क्रिमिनल शरण लेते थे, नीतीश कुमार की सरकार में अब ऐसा नहीं होगा। बता दें कि उन्होंने कहा कि नीतीश और तेजस्वी साथ चल रहे हैं तो निश्चित रूप से अब क्राइम पर कंट्रोल होगा और अगर क्राइम हुआ तो उस पर कार्रवाई भी होगी, कानून व्यवस्था भी सही रहेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत की आज़ादी के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी 1947 को स्वदेश रवाना हुई। लोकपाल आंदोलन जेपी पार्क में अनशन जारी रखने की लिखित अनुमति मिलने तक अन्ना हजारे ने 2011 में रिहाई के बावजूद तिहाड़ में ही रहकर अनशन जारी रखा। साहित्य जगत में उपन्यासकार अमृतलाल नागर का जन्म 1916 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के 21वें गवर्नर बॉय बी रेड्डी का जन्म 1941 को हुआ था। महान स्वतंत्रता प्रेमी और क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास का निधन 1949 को हुआ था। महान देशभक्त धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी मदन लाल ढिगरा का निधन 1909 को हुआ था और प्रसिद्ध साहित्यकार फादर कामले बुल्के का निधन 17 अगस्त 1982 को हुआ था। हार्दिक इस हेयर स्टाइल में दिख रहे हैं बेहद कूल। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या क्रिकेट में अपने प्रदर्शन के साथ साथ अपने लुक को लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चे में रहते हैं। इस बार हार्दिक पांड्या का हेयर स्टाइल भी अभी खूब चर्चे में है। हार्दिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो तस्वीर साझा की है उसमें हार्दिक पांड्या मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम के साथ दिख रहे हैं। आलिम हकीम ने हार्दिक पांड्या के बालों को काफी शानदार लुक दिया है, जो कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। हार्दिक इस हेयर स्टाइल में बेहद ज्यादा कूल नजर आ रहे हैं। हार्दिक के इस हेयर स्टाइल को फैंस का ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है, जो कि इनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर किए गए कमेंट से पता चलता है। चाइनीज फोन की शिपिंग में आई 14.7% की गिरावट। एक समय ऐसा था जब भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी चाइनीज सेल फोन का दबदबा रहता था, लेकिन अब ये स्थिति है कि चाइना द्वारा बनाए गए फोन का डिमांड खुद अपने देश में ही कम हो गई है। जानकारों की माने तो चीन स्मार्टफोन मार्केट गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। हालिया डेटा की अगर बात करें तो चीन में दूसरी तिमाही के दौरान स्मार्टफोन शिपमेंट में 14.7% की गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकन बेस्ट पब्लिकेशन फाइनेंशियल पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक ये लगातार 4th तिमाही है जब चीन के स्मार्टफोन की डिमांड में गिरावट दर्ज की गई है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मंजय कुमार, मृत्युंजय कुमार, नुनु कुमार, रवि कुमार राज, इरफान आलम, मनोज कुमार, सौरभ मिश्रा, नूतन देवी, दीपू तिवारी, अवधेश कुमार, विकास कुमार, एस निशा कुमारी, भरत प्रसाद और जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बीते दिन हुए मंत्रिमंडल के विस्तार में मंत्रियों को मिले विभागों से आप कितने संतुष्ट हैं। बहरहाल आप तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें।